रोहतक टाइम्स में आपका स्वागत है। एक साल के बाद फिर से पनपने लगा अवैध शराब का धंधा। देखते हैं सुंदरनगर से यादविंदर कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद। अवैध शराब की शिकायतें अमूनन अपने थानों में आती रहती है, जिसके हम पुलिस लगातार जो है सभी थानों में हम केस रजिस्टर करते रहते हैं। और ये इस बारे में थोड़ा सा सोशल मीडिया में ज़्यादा हल्ला था इस शिकायत को लेकर के। ये अश्विनी कुमार एक ये होल सेलर है शराब का, तो इसके खिलाफ ये इसने दूसरे जो ठेकेदार है, लोकल ठेकेदार अनंतराम वर्मा है, उसकी तरफ से अजय वर्मा ने ये शिकायत की थी कि ये अपने होल सेलर की जो इसकी शॉप है सुंदरनगर में, उस दुकान से ये रिटेल की सेल कर रहा है। तो लेकिन इसके साथ इसने ये शिकायत लगाई थी कि ये काफ़ी कम रेट पे लोगों को शराब बेच रहा है, देसी संतरा शराब है। तो इसी ने अपनी शिकायत में शक जाहिर किया था कि हो सकता है कि ये नकली शराब भी हो सकती है, क्योंकि नकली शराब का कांड भी यहाँ हो चुका है पिछले साल। तो इसको बड़ा गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी थी। परसों रात को ही एक संयुक्त टीम जो है बनाई गई पुलिस और एक्साइज विभाग के अफसरों की, और इसकी FIR दर्ज करके इसके जो है जो लेबल हैं और होलोग्राम है वो चेक किए गए थे। तो प्राइमा फिशाई ऐसा कुछ पाया नहीं गया है, तो लेकिन FIR दर्ज करके सैंपलिंग कर ली गई है। इसके जो दूसरे ठेके हैं वहाँ भी सैंपलिंग की गई है, इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए कि कहीं कोई नकली शराब का इस तरह का कोई सप्लाई कहीं से आ तो नहीं रहा है। इस पर पूरी जाँच जो है वो त्वरित गति से की जा रही है, अभी भी सैंपलिंग चल रही है, बाकी ठेकों की भी सैंपलिंग की जा रही है। जितनी भी दुकानें हैं उसमें रैंडमली काफ़ी सारी दुकानों की सैंपलिंग करके लेबल और होलोग्राम चेक करके, और उनको FSL भी भेजा जाएगा चेकिंग के लिए। लेकिन इसके साथ जो अश्विनी कुमार ने जो शिकायतकर्ता ठेकेदार है इसके खिलाफ इसने भी शिकायत कर दी थी कि इसके पास अवैध रूप से स्टॉक जमा है, तो इसकी शिकायत पे भी FIR जो है अजय वर्मा अनंतराम वर्मा के जो ठेके हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उसकी भी जांच चल रही है। एक्चुअल में ये दो ठेकेदारों का आपस में एक दूसरे की ज्यूरिसडिक्शन में जो ठेकेदारों के झगड़े होते हैं कि एक दूसरे की ज्यूरिसडिक्शन में ये अपनी शराब बेचते हैं, ये बेसिकली वो झगड़ा है। लेकिन पुलिस पूरी गंभीरता से ले रही है कि ये जो थोड़ा सा इश्यू इसमें आया है, जो शक जाहिर किया उसने नकली शराब वाला, तो उसको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। प्राइमा फिशाई अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा पाया गया है और जांच चल रही है और FSL को सैंपल भेज दिए गए हैं।